ये देखते देखो एक बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक, इतना बड़ा एक बॉक्स है। इसके अंदर एक खुले हुए मुंह का हमने बॉक्स बनाया, ऐसे करके समझो एक बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये बॉक्स की थिकनेस है तुम्हारे पास, है ना, बॉक्स की कुछ थिकनेस होती है, लेकिन ऊपर से इसका मुझे खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई लेड नहीं है। तो अब तुम देखो यहाँ पर वॉल्यूम, इसका जो एक्सटर्नल हाइट है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 1.16.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी चीजें सेंटीमीटर में। तो मैं इसका वॉल्यूम निकालू, बड़े वाले जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम निकाल लेते, कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये जो बड़ा वाला बॉक्स था ये उसका वॉल्यूम आ गया, क्लियर है। अब तुम देखो जो अंदर वाला बॉक्स होगा इसको हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। थिकनेस देखो ये 36 थी, लेकिन यहां से 1.5 थिकनेस है, यहां पे भी 1.5 थिकनेस है, इसका मतलब मैं पुरानी लेंथ में से अगर दो 1.5 माइनस कर दूं तो मुझे अंदर वाली लेंथ मिलेगी ना, ठीक है, तो इसमें से 3 माइनस करो तो मिलेगा तुम्हें 33 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी लेंथ आ गई, L1 आ गई, बल्कि ठीक। अब तुम अंदर वाली ब्रेथ करो, ये है ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे भी 1.5 थिकनेस है, ये यहाँ पे भी 1.5 थिकनेस है, तो मैं इसको 25 माइनस 2 इंटू 1.5 कर दीजिए, दोनों तरफ का हटाते तो ये हमको मिल जाएगा 22 सेंटीमीटर। चलो हाइट पे आ जाओ, अब तुम बोलोगे कि मैम हाइट है 16.5, अब ऊपर नीचे से फिर निकालो हाइट 1.5 1.5, लेकिन नहीं, यहां से तो देखो 1.5 थिकनेस है, लेकिन ऊपर से तो खुला हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक 1.5 जाएगा नीचे वाली थिकनेस, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें से 1.5 माइनस करती हूँ, तुम्हारा बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा अंदर वाले बॉक्स का वो निकालते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड है ना, इसके अंदर कितना आयरन लगा है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले बॉक्स में से छोटे वाले बॉक्स को निकाल देंगे तो इसका आयरन का वो आ जाएगा ना, कितना आयरन निकला है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो बॉक्स था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कैसे, नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू 36 इंटू 25 इंटू 16.5, इसमें से माइनस करो अंदर वाला जो आया था 33 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है, जब ये करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 15850 माइनस 10890, इसे करोगे अगर 3960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सही। अब ये कह रहे हैं कि एक सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है दैट इज 8.5, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, देन वेट ऑफ 3960 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 3960 इंटू 8.5 ग्राम्स, ग्राम्स में है ना, ठीक है, इसको करो तो तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3660 ग्राम्स, ठीक। इसको अगर केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड कर लो, बन गया ये केजी में, है ना, तो ये हो जाएगा 33.66, ये आ गया आपका केजी, ठीक, समझ में आया आराम से अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।